हेलो नमस्कार। कक्षा 11 में चल रहे हम चैप्टर संख्या 6 कार्य ऊर्जा और शक्ति, जिसमें हमने बेसिक बातें की थी। वो बेसिक बातों में हमने दो बातें पढ़ी थी, अदिश गुणा और सदिश गुणा बहुत महत्वपूर्ण है और वो पर्टिकुलर किसी चैप्टर की बात नहीं है, सभी चैप्टर में काम आने वाली चीज़ें। वो आपको फोर्थ चैप्टर से ही यूज़ करना शुरू कर दिया, उसमें भी हमने शायद पढ़ा था उसके बारे में पहले भी और फिर कर लिया। अब मेन चैप्टर संख्या 6 जो है वो आज हम शुरू कर रहे हैं इसके अंदर, जिसमें पहला टॉपिक है कार्य। तीन भाग है इसके, कार्य ऊर्जा और शक्ति, इन्हीं तीन भागों के अनुसार हम चलेंगे। पहले हम कार्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम शक्ति के बारे में। अगर शुरू से हम इनको रिलेट करते हुए चलेंगे और डे बाय डे हम इसको कंटिन्यू समझते हुए और कंटिन्यू देखकर सॉल्व करते हुए और प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे तो आगे की चीज़ें बहुत आसान होती जाएगी। क्योंकि कार्य अगर हमें समझ में आ जाएगा तो फिर हमें ऊर्जा इजी वे में समझ में आ जाती है, क्योंकि कार्य ही ऊर्जा होती है। तो जब भी कोई एनर्जी निकालते हैं, कोई ऊर्जा निकालते हैं, तो मोस्टली कार्य ही निकालते हैं, कार्य ही निकाला जाता है। किस तरह से हो रहा है उसका बेसिक कार्य के अंदर आ जाएगा कि किस तरह से कार्य होगा, उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, वो हम पहले कार्य में सीख लेंगे। फिर ऊर्जा में हम उसको अप्लाई करेंगे, फिर शक्ति में कार्य करने की दर शक्ति होती है तो वहाँ पर भी कार्य काम आएगा, ऊर्जा ही काम आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्य क्या है। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, बल लगाया जाता है और उसमें विस्थापन उत्पन्न होता है तो उस प्रक्रिया को कार्य कहते हैं। कार्य कहते हैं कि जैसे अगर आपको किसी टेबल को एक जगह से दूसरी जगह खिसकाने के लिए कहा जाए और आपने धक्का भी लगाया लेकिन टेबल नहीं खिसकी है तो उसे कार्य माना जाएगा क्या? नहीं माना जाएगा उसे कार्य, या क्योंकि तुम्हें जो काम कहा गया था वो काम तुमने किया ही नहीं, जोर लगा दिया चाहे लेकिन वो जोर काम भी तो आना चाहिए, काम आया ही नहीं तो इसलिए वो कार्य नहीं है वो कार्य। इसका मतलब कार्य के अंदर दो भाग हैं, कार्य के अंदर दो भाग क्या हैं, एक बल लगेगा, दूसरा विस्थापन भी होना चाहिए। विस्थापन का मतलब जगह परिवर्तित होनी चाहिए, विस्थापन भी होना चाहिए। जब ये दोनों चीज़ें होंगी तभी कार्य होगा। अगर इनमें से एक चीज़ नहीं है तो हमें कुछ भी सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे कह सकते हैं वहाँ कार्य नहीं हो रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया भी टेबल खिसकानी, आप लोगों ने खिसकाई लेकिन खिसकी नहीं, तो काम क्या था? कार्य था टेबल को खिसकाना, खिसकाया ही नहीं तो कार्य हुआ भी नहीं। तो हमने बल तो लगाया वहाँ, इसका मतलब वहाँ ऐसा नहीं है बल ज़ीरो है, बल तो है वहाँ हमारे द्वारा लगाया गया बल तो है, लेकिन वहाँ ज़ीरो क्या है? विस्थापन ज़ीरो है। तो दोनों में से और दोनों का, इसीलिए दोनों का जो गुणनफल होता है वही कार्य होता है। अगर दोनों में से एक बात ज़ीरो है तो उत्तर क्या हो जाएगा? अगर ज़ीरो को 10 से गुणा करेंगे तो भी ज़ीरो आएगा, 10 को ज़ीरो से गुणा करेंगे तो भी, तो ज़ीरो चाहे आगे लिखी है चाहे पीछे लिखी है, गुणा में लिखी है तो वो क्या कर देती है? आंसर को ज़ीरो कर देती है। तो इसकी परिभाषा की बात अब हम करते हैं, यही परिभाषा एक्चुअल में तो इसकी, कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसमें विस्थापन उत्पन्न होता है। कह रहे हैं ना होता है, यानी होना चाहिए विस्थापन, विस्थापन उत्पन्न होता है। तो बल तथा विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसमें विस्थापन उत्पन्न होता है बल तथा विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। तो इसके अंदर दो बातें आ गई, बल और विस्थापन। अब इन दोनों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर संख्या 5 में, बल के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ लिया, विस्थापन चैप्टर संख्या 2 से 3 से शुरू कर देते हैं हम। तो दोनों के बारे में पता होना चाहिए। बल क्या है? एक सदिश राशि है, सदिश राशि है बल। विस्थापन भी क्या है? एक सदिश राशि है, लेकिन इनका होता है डॉट प्रोडक्ट, इसलिए पहले हमने वो किया अदिश गुणा। जब अदिश गुणा होता है तो उत्तर भी क्या आते हैं? अदिश आते हैं। तो इनका गुणा हो गया, उत्तर आ रहा है कार्य, इसलिए कार्य एक अदिश राशि है,
कार्य एक शुरू में जब हमने विमाएं पढ़ी थी तब हमने सबके बारे में लिखा था भाई ये कार्य का सूत्र होता है, ये ऊर्जा का सूत्र होता है, शक्ति का, बल का, प्रतिबल का, ये सब के बारे में हमने सूत्र लिखे थे और उनके विमाएं निकाली थी, तब हमने उनके बारे में नहीं पढ़ा था डिटेल। अब हम पर्टिकुलर डे बाय डे क्या कर रहे हैं, एक एक टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, एक एक टॉपिक को हम डिफाइन कर रहे हैं, उससे उसके सूत्र बना रहे हैं। तो अब हमें सारी बातें क्लियर होती जानी चाहिए साथ साथ। जैसे मैंने बल के बारे में पढ़ लिया तो बल के बारे में पता होना चाहिए कि बल एक सदिश राशि है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, बल की विमा MLT-2 होती है, क्लियर। वैसे ही जब तक हमने कार्य नहीं पढ़ा था तब तक बात अलग थी, अब हम कार्य पढ़ रहे हैं तो अब हमें कार्य के बारे में सारी बातें पता होनी चाहिए। जब हम इसको अप्लाई करेंगे, यूज़ करेंगे तो फिर दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि ये कैसे हुआ, कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। तो कार्य की बात कर लेते हैं हम। तो कार्य बराबर क्या होता है, सबसे सिंपल परिभाषा हमेशा काम आने वाली है, इसको ध्यान रख लेना अच्छी तरह से। अब पूरे चैप्टर में हम इसी की बात करने वाले हैं, बल गुणा। तो अब बल को F से लिखते हैं, सदिश राशि है, विस्थापन को X से लिख सकते हैं, R से लिख सकते हैं, D से लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, किताबों में D से लिख देते हैं, R से लिख देते हैं, आप कैसे भी लिख दो। कार्य को लिखा हमने बल से, ये W से, बल F वेक्टर डॉट X वेक्टर, ऐसे लिख सकते हो, क्लियर। A डॉट B क्या होता है, A डॉट B होता है A B cos थीटा, क्या होता है, अभी तो किया परसों किया ना, A B cos थीटा। तो यहाँ W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F X, A की जगह क्या आ गया और B की जगह क्या आ गया, ठीक है। ये तो हमने बात की थी वहाँ कि A क्रॉस B में फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो ये सब जगह A प्लस B का होल स्क्वायर ही थोड़ी लिखा होता है, कहीं पर ये लिखा है 2X प्लस Y का होल स्क्वायर, तो हमें तो A की जगह 2X हो गया, B की जगह वाई हो गया, वैसे ही इम्प्लीमेंट करना है इसका, वैसे ही अप्लाई करना है। तो यहाँ पर भी वही बात है, एफ एक्स यहाँ अदिश गुणा है, अदिश गुणा है, तो इसको क्या लिखेंगे, एफ एक्स कोस थीटा। अब बात करते हैं इसकी मात्र की, तो ये दोनों समीकरणें आ गई, अगर आपको सीधा दे रखे हैं ये, इसका मतलब क्या है, सदिश लगा, इसका मतलब सदिश फॉर्म में दिए गए हैं, और सदिश फॉर्म में वैल्यू कब होती है, जब आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में मान होते हैं तब होती है सदिश फॉर्म, ठीक है। परिमाण फॉर्म भी दी जा सकती है, तब उसमें डायरेक्ट दे दिया जाए 5 न्यूटन बल लग रहा है जिससे 10 मीटर दूरी पर विस्थापन हो रहा है, और बल जो है वो विस्थापन से 60 डिग्री कोण पर है, तो आपको वहाँ आई केप जे केप के केप नहीं दिए गए हैं, तो बल का परिमाण दिया गया है, विस्थापन का परिमाण दिया गया, कोण दिया गया है, तो कोस 60 का मान आप उसके अंदर साथ में गुणा कर देंगे। तो पता होना चाहिए हमें कैसे हमें यूज़ करना है, ये यूज़ कब करना है, जब सदिश फॉर्म है, और सदिश फॉर्म क्या होती है, जब आई कैप जे कैप और के कैप की फॉर्म हमें दी जाती है वो वेक्टर फॉर्म है, तब हम आई डॉट आई वन जे डॉट जे वन और के डॉट के वन मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकाल लो। लेकिन अगर इस फॉर्म में दिया गया तो ऐसे। अब इसके आगे की बात करते हैं इसके कि कार्य का मात्रक क्या होता है। यहाँ से देखें तो कार्य का मात्रक क्या आएगा, देखो यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन, और एक्स का मात्रक क्या है, मीटर। तो एग्जाम से कंपटीशन एग्जाम से ऐसे भी दे देते हैं, वहाँ जूल लिखते नहीं है, वैसे हमें पता कार्य का मात्रक पता ना, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, लेकिन वहाँ क्या लिख देते हैं, न्यूटन मीटर लिख देते हैं, तब हमें इसके बारे में ध्यान नहीं होता। तो ये ध्यान रखना, इसका मात्रक एक्चुअल मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर, ठीक है। जैसे न्यूटन है, जूल है, केल्विन है, ये सब क्या मात्रक जितने भी आते हैं ये सारे किसके नाम पर है, ये सब वैज्ञानिकों के नाम पर हैं। एक्चुअल मात्रक जो है वो हम फॉर्मूला से निकालते हैं, न्यूटन भी एक्चुअल मात्रक नहीं है। न्यूटन कैसे निकालेंगे, बल का मात्रक ए बराबर एम ए होता है, एम किलोग्राम, ए का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बल का एक्चुअल मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी अपने को ऑप्शन में मिल सकता है, वहाँ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वहाँ कोई ज़रूरी नहीं है न्यूटन लिखा हुआ मिले, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर न्यूटन नहीं लिखा है तो मात्रक तुम निकाल लो ए बराबर एम ए से, निकाल सकते हैं ना ए बराबर एम ए से। वैसे यहाँ पर एक्चुअल मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर है, लेकिन जूल ने इसके बारे में बताया इसलिए नाम पे, साइंटिस्ट के नाम पे इसका मात्रक क्या लेते हैं, जूल लेते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ज़्यादातर जूल का ही यूज़ किया जाता है, लेकिन पता हमें ये भी होना चाहिए कि अगर वहाँ इस जूल के अनुसार आंसर नहीं है तो फिर आप क्या करो, फॉर्मूला से निकाल लो, ठीक है। याद नहीं है तो रखने की ज़रूरत भी नहीं है, फॉर्मूला से निकाल लो, भाई हमें पता है एफ एक्स होता है, न्यूटन मीटर हो गया,
ठीक है, न्यूटन की जगह भी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसके अंदर कि कार्य का जो मान है वो किस प्रकार से होगा। तो कार्य का मान किस पर डिपेंड करते हैं, थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं। थीटा किसके इसके बीच में, ये ध्यान रखना भी, कोण किसके बीच में है, इधर एफ है इधर एक्स है, ये हमने एज्यूम किए हैं। तो इसके बीच में कोण है, कोण क्या होता है भी, कभी एक रेखा का भी कोण नहीं बनाती है, पता है क्या होता है, दो रेखाएं जब काटते हैं एक दूसरे को तभी तो कोण बनते हैं, अकेली ये रेखा क्या कोण है, नहीं है ना। अब कोण है इसके अंदर, तो दो सदिश राशियों में कोण बनता है। दो सदिश राशियां कौन सी है, एफ और इनके बीच में कोण कितना है, थीटा। क्लियर। तो अब ये बल और विस्थापन किस प्रकार से है, उस प्रकार से हमें कोण के अनुसार उसका मान बता सकते हैं कार्य कितना हुआ। तो इसके अंदर हम स्पेशल केस लेते हैं, क्या यहां से विमा निकाल सकते हैं ना, इसकी विमा निकाल लेंगे, कैसे आएगी, बल की विमा क्या है, एम एल टी माइनस टू, और दूरी की विमा क्या है, दूरी क्या, डिस्टेंस, लेंथ, लेंथ को किससे लिखते हैं, तो ये क्या हो गया, एम एज इट इज एल गुणा एल, एल की पावर एक और एक कितनी हो गई, दो, और टी की पावर, तो ये इसकी डायमेंशन हो। तो विमाओं की भी हर टॉपिक में आप प्रैक्टिस करते रहें, पहले हमने सारी सीख ली, अब हर टॉपिक की जैसे जैसे पढ़ रहे हैं वैसे वैसे खुद निकालते रहें, कभी हम नहीं भी निकाल पाए क्लास में तो भी आप खुद उसको निकाल लें। अब आता है स्पेशल केस, सबसे पहली बात, यदि बल एफ व एक्स विस्थापन एक्स एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में होने का मतलब क्या है, जैसे ये है कोई बॉक्स फर्श पे रखे हैं, या हम इसको दे रहे हैं धक्का, तो हम बल किधर लगा रहे हैं, इधर लगा रहे हैं, और ये भी इधर ही खिसक रहे हैं, खिसक रहा है, अब नहीं रुका, खिसक रहा है, ये हल्का ही है, हम लगा रहे हैं बल तो ये खिसक रहा है इधर, तो बल भी किधर लग रहा है, इधर, एक्स भी किधर है, दोनों के एक ही दिशा में हो गए ना, तो ऐसी स्थिति में थीटा का मान कितना होगा, जीरो डिग्री, और कोस जीरो का मान होता है एक, कोस जीरो का मान, इस स्थिति में डब्ल्यू का जो मान है वो क्या होगा, एफ मैक्सिमम होगा, जो क्या होगा, एफ एक्स होगा। तो अगर ये पूछ लें किसी वस्तु पर अधिकतम कार्य कब होगा, जब जिस दिशा में वस्तु गतिशील है उसी दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में, तो कार्य क्या होगा, अधिकतम होगा। इसीलिए चलती हुई साइकिल को धक्का देने में कम जोर आता है, क्योंकि वो पहले से उधर ही गतिशील है, उधर ही हम धक्का दे रहे हैं, ठीक है, तो उधर कार्य का मान क्या होगा, अधिकतम होगा, अधिकतम कार्य होगा एफ इंटू एक्स। समझ में आ गई बात। अब दूसरी बात लेते हैं, यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो, यदि थीटा का जो मान है वो क्या हो, 90 डिग्री हो, कोई खास अब देखिए आगे दूसरी कंडीशन, यदि थीटा का मान क्या हो, 90 डिग्री हो, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, हमें पता होना चाहिए थीटा किसके बीच में है, बल और विस्थापन के बीच में है। यदि थीटा का मान क्या हो, 90 डिग्री हो, इसका मतलब बल विस्थापन के लंबवत दिशा में लगाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति यहां पर रखे सामान, तो इस पर बल किधर लगेगा, एम इसका द्रव्यमान है और एम जी हमेशा किधर काम करता है, तो इस पर एम जी किधर लगेगा, नीचे की ओर, ये बल हो गया एफ बराबर। अब ये चल रहा है आगे की तरफ, चल रहा है आगे की तरफ, तो इसका विस्थापन किधर है, इधर, और बल किधर है, थीटा कितना हुआ, ऐसी स्थिति में थीटा 90 डिग्री होगा, तो कोस 90 का मान कितना होगा, जीरो होगा, और कोस 90 जब हम जीरो रखेंगे तो जीरो से गुणा होकर सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐसी स्थिति में किया गए कार्य का मान क्या होता है, तो अगर आपको यूं कह दे बल का मान दे दे और विस्थापन दे दे और कह दें कि बल जो है वो 90 डिग्री पर कार्य रहता है, तो ऐसी स्थिति में किए गए कार्य का मान शून्य होगा,
किए गए कार्य का मान जीरो होगा। तीसरी कंडीशन है नंबर तीन, यदि ये कंडीशन बताएगा कोई मेरे को, यदि बल विस्थापन के विपरीत दिशा में हो, इसका मतलब होता है थीटा का मान 180 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, शॉर्ट क्वेश्चन में काम आते हैं, ठीक है, कोई बड़े क्वेश्चन में ये टॉपिक नहीं पूछा जाता है, लेकिन कंपटीशन वगैरह के अंदर तो बहुत ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन तो लगभग मिलता ही है हर एग्जाम के अंदर, तो वहाँ आपको इसमें से ये कोई भी बात पूछ लेते हैं, ये भी ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, भी मात्रक विमाएँ वगैरह ये भी आती है इसकी। और अपने बात करें यहाँ कि यदि बल विस्थापन के विपरीत दिशा में है, अब बल विस्थापन के विपरीत दिशा में कैसे लगेगा, ऐसी स्थिति हो सकती है कोई है? ऐसी स्थिति हो सकती है, ऐसी स्थिति हो सकती है जैसे ये कोई गाड़ी है, ठीक है, और इसमें यहाँ एक ड्राइवर बैठे हैं और पीछे वाली सीट पे उसने हीरोइन को किडनैप कर रखा है, ठीक है, और वो बहुत ही स्पीड पे आगे खाई की तरफ लेके जा रहा है, आगे खाई है बहुत बड़ी, उसके अंदर गिराने की कोशिश कर रहा है वो, कि खुद तो कूद जाएगा जाते समय, जैसे कार वहाँ खाई से नीचे गिरेगी वो तो कूद जाएगा, लेकिन वो हीरोइन जो है वो मर जाएगी। लेकिन यहाँ पहुँचते हैं कौन, सलमान खान। अब जैसे ही वो खाई के पास पहुंचने वाली होती है गाड़ी, उसी समय आता है ये, पहले नहीं आता, तब वो ये यहां पहुंच जाता है और फिर क्या करते हैं, एक ही हाथ से गाड़ी रोकता नहीं, अभी तो भी 5 मिनट का सीन क्रिएट करते हैं वो, 5 मिनट का, 10 मिनट भी लगा देते हैं, फिर वो क्या करता है, अपने दोनों हाथों से गाड़ी को रोकता है। गाड़ी रुकती है क्या? रुकती नहीं है, लेकिन मूवी है ना तो इसीलिए थोड़ा सा कुछ क्रिएट होता है सीन। क्या क्रिएट होता है वहाँ सीन, कि वो गाड़ी को आगे धक्का दे रहे हैं और नीचे दिखा रहे हैं कि उसके पैर धीरे धीरे पीछे खिसक रहे हैं, क्योंकि गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है और वो उतना जोर नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। इस स्थिति में इसके पैर किधर जा रहे हैं, ठीक है, और बल किधर लगा रहा है ये, तो यहाँ कोण कितना बन रहा है, 180। ऐसी स्थितियां हो सकती हैं कि जिन स्थितियों में क्या होता है, बल तो हम आगे की ओर लगा रहे हैं लेकिन विस्थापन पीछे की ओर हो रहा है। अब ये हीरो बल तो गाड़ी पे किधर लगा रहे हैं, आगे की ओर, लास्ट में रोक लेता है वो ये फिक्स बात है, लास्ट में रोक लेगा वो, पीछे एक पत्थर आएगा, उस पत्थर पे पैर अड़ जाएगा, फिर उसको धक्का देता रहेगा, बल तेज लगाएगा, जोर लगाएगा, लास्ट में रोक लेगा वो, और जो विलेन है उसको तो ड्राइवर को निकाल के और उसको फेंक देगा और हीरोइन को बचा के ले जाएगा, ठीक है, ऐसा होगा। तो वहाँ अपना जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो है ये सिचुएशन, तो ये ऐसी सिचुएशन है, ये अपने नॉर्मल वे में भी देख सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। सामान्य अगर मान लो कोई गाड़ी आ रही है, बहुत धीमी धीमी स्पीड से चल रही है, ठीक है, कार चला रहे हैं, बाइक कोई चला रहे हैं, दूसरा सामने से उसको रोक रहे हैं, तो वो रोक थोड़ी पाएगा, कोई ट्रक आ रहा है बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है, हम प्रयोग करके देख लें, धीरे धीरे चल रहा है और हम उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या वो रुकेगा क्या, नहीं रुकेगा, तो हमारे पैर ही क्या होंगे, पीछे की तरफ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, ऐसी स्थिति में बल तो हम पीछे की तरफ थोड़ी लगा रहे हैं, बल तो हम लगा रहे हैं आगे की तरफ, लेकिन विस्थापन हो रहा है फिर भी पीछे की तरफ। इस स्थिति में थीटा का मान क्या होता है, 180 डिग्री, और कोस 180 का मान होता है -1, कोस 180 का मान होता है -1, और वैल्यू क्या आ जाएगी, W इज इक्वल टू आएगा -FX। इसका मतलब कार्य तो हो रहा है लेकिन ऋणात्मक हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, कार्य तो हो रहा है लेकिन धनात्मक हो रहा है, यहाँ कार्य हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है, ऋणात्मक कार्य हो रहा है। अब ऋणात्मक कार्य कब होता है, ऋणात्मक कार्य, इसका मतलब भी हमें थोड़ा सा पता हो तो ठीक है,
धनात्मक कार्य का मतलब होता है हम वस्तु पर कार्य कर रहे हैं, इस बात को नोट कर लेना, ध्यान रखना। धनात्मक कार्य का मतलब क्या होता है? हम वस्तु पर कार्य कर रहे हैं, जैसे टेबल को खिसका रहे हम और टेबल खिसक रही है, दोनों हम भी उधर ही बल लगा रहे हैं, टेबल भी उधर ही जा रही है, तो 0 डिग्री कोण हो गया। इसका मतलब हम किस पे काम कर रहे हैं? वस्तु पे काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सलमान खान, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? गाड़ी पे बल तो लग रहा है लेकिन कार्य गाड़ी कर रही है। किस पर? हम पर। कार्य किस पे होगा? जो खिसकेगा उस पे कार्य हो रहा है, ठीक है? तो कार्य किस पे हो रहा है? इसका मतलब तो हो रहा है, ये ध्यान रखना ये बात, इसका मतलब तो हो रहा है वस्तु पर कार्य हो रहे हैं, वस्तु पर कार्य। ये इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में वस्तु द्वारा कार्य होता है, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में ऋणात्मक कार्य किया जाएगा, ऐसी स्थिति में धनात्मक कार्य किया जाएगा, और इसी स्थिति में कार्य होगा 0। तीनों स्थितियां होगी ना, 0 डिग्री है तो अधिकतम कार्य अगर पूछ लिया जाए, अधिकतम कार्य के लिए कोण क्या होगा? 0 डिग्री होगा। बल्ब विस्थापन में अधिकतम कार्य होने की शर्त क्या है? तो दोनों एक ही दिशा में होने चाहिए, थीटा का मान 0 डिग्री होना चाहिए। और ऋणात्मक कार्य किस स्थिति में होगा? जब थीटा का मान 180 डिग्री होगा। क्या स्थिति होगी? इस स्थिति में क्या होता है? इस स्थिति में वस्तु द्वारा कार्य किया जाता है, इस स्थिति में वस्तु पर कार्य किया जाता है। और तीसरी जो 90 डिग्री वाली स्थिति है, इसमें कार्य नहीं होता है, ठीक है? ये कार्य की बेसिक जानकारी है, इसके बारे में फिर हम आगे डिटेल से और पढ़ेंगे। पहले आप इसको लिख लें, इसको रिवाइज कर लें, पढ़ लें, फिर हम आगे की नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक आप रिवाइज करें।